Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. So guys, this is the second part of my previous Rishikesh trip. तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीर वाटरफॉल और यहाँ से अप्रॉक्स हमें लगने वाला है 40 टू 50 मिनट्स का ट्रैक होने वाला है, जो कि बहुत ही मुश्किल ट्रैक होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारे शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे आप मैक इंजॉय कर सकते हो। जो नीर वाटरफॉल पे जो फर्स्ट लोकेशन है वो ये ब्रिज है, तो मोस्टली लोग यहाँ से ऊपर नहीं जाते हैं, यहीं पर ही स्टे करके एंजॉय करते हैं वाटरफॉल का। बट जो मेन वाटरफॉल है वो यहाँ से बहुत ऊपर है और वहाँ पे जो ट्रैक है ऊपर जाने का वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए लोग ऊपर जाना प्रीफर नहीं करते हैं। आप देख सकते हो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप जब भी आए यहाँ पे तो अब मैं आपको जींस बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जींस पहनी हुई थी, बहुत मुझे डिफिकल्टी हो रही थी ऊपर चढ़ने में। तो आप या तो ट्रैक पैंट पहन के आए या फिर लोअर पहन के आ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर व्यू भी आता है। और अभी यहाँ पे हम लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफी थक चुके थे ऊपर आते आते, तो यहाँ से भी हम लोगों को काफी ऊपर जाना है अभी, तो हमने लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया। क्योंकि आप एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, आपको थकान होने लगती है जैसे ही आप ट्रैक करते हैं यहाँ पे, और आपको रेस्ट करना जरूर पड़ेगा। अपने साथ में आप एक वाटर बॉटल कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि प्यास बहुत लगती है ऊपर चढ़ते टाइम पे, क्योंकि आपकी बॉडी ट्रैक करते टाइम पे डिहाइड्रेट हो जाती है। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफी सारे मैगी पॉइंट्स हैं। तो और यहाँ पे जो है मेन वाटरफॉल है, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने ही वाटरफॉल दिख रहा है। बट यहाँ पे हम लोगों को पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे पानी ही नहीं है, क्योंकि जो पानी यहाँ पे रोकती थी वॉल वो टूट जाती है बिकॉज ऑफ रेनफॉल। अभी जा रहे हैं नीचे वापस अपने कैंप में।
यहाँ पे तो हमें इतना पानी नहीं मिला था तो हम प्रॉपरली यहाँ पे नहा सके, तो फिर हम जाते हैं अपने कैंप में जहाँ पे था स्विमिंग पूल, और वहाँ पे हम लोग इंजॉय करते हैं बिकॉज उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है और हम लोग यहाँ पे फिर इंजॉय करते हैं। सो गाइस अभी होने वाला है स्नैक्स का टाइम, तो अभी हम सब लोग स्नैक के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वहां से प्लान है हमारा रामझूला जाने का, तो अभी जा रहे हैं स्नैक्स के लिए और आपको इवनिंग व्यू दिखा रहे हैं। सो गाइज अभी आ गए रामझूला के पास, और मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हो रामझूला का, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कैब में। सो गाइस अभी जा रहे हैं अपना डिनर करने, सो लेट्स गो, आपको दिखाता हूँ क्या बना है डिनर। तो गाइज अभी हो चुकी है सुबह और अब हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 7।
शॉप भी है, तो हम वहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चाय की शॉप है, यहाँ पे आगे जाते वाटरफॉल भी है, और ये वो वाटरफॉल है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और वाटरफॉल देखने के बाद हम लोगों ने अपनी चाय ऑर्डर कर दी थी, और फिर हम लोग चाय तो गाइस चाय पीने के बाद हम लोग वापस अपने कैंप में चले आते हैं। यहाँ पे हम लोग रेडी होने के बाद फिर कैंप साइट हम लीव कर देते हैं। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी था, बट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो गाइस कैंप से निकलने के बाद मैं कुछ लोकेशन पे जाता हूँ, जिनमें से एक लोकेशन का नाम है नीलकंठ ब्रिज, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और जहाँ लोकेशन पे वो है वो लोकेशन और भी ज्यादा सुंदर है। और वो जो है ब्रिज गंगा के ऊपर बना हुआ है, जहाँ से राफ्टिंग होती है। और आप देख सकते हैं ये जो रास्ता जा रहा है ये वहीं जा रहा है। और उसके बाद मैं जाता हूँ ऋषिकेश फैमिली बीच में, तो वो भी आपको आगे दिखेगा। तो तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए जो सीधा जा रहा है नीलकंठ ब्रिज पर। So guys, that's it for this video. I hope you like this video. So please, if you like this video, hit the like button and do subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you.